नमस्कार। दो दिन हो गए और आप लोगों के लिए कुछ आया नहीं, तो मैंने सोचा कुछ तो करते हैं। तो फिर ध्यान आया कि इतनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, कोई कट ऑफ के लिए परेशान है, कोई जोन के लिए परेशान है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान है। आप लोग जानते भी हैं व्हाट इज आईबी, व्हाट इट डज, तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रात के बज रहे हैं एक, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ऑफिस के काम में बिजी था और बहुत सारे काम भी थे। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो भी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये मेरे ओपिनियन नहीं है इसमें। आई हैव जस्ट रीड इट फ्रॉम द विकीपीडिया, मैंने इस चीज़ के बारे में सिर्फ विकीपीडिया से पढ़ा है और जो विकीपीडिया पे लिखा हुआ है उसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने के लिए आया हूँ, दैट्स इट। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर्सनल नॉलेज नहीं है आईबी को लेके, ये बस मैं विकीपीडिया के इंग्लिश वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो हम इसको किस किस बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू, सेकंड थिंग हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, फोर्थ वन इज कैसे ऑपरेशंस करती है, फिफ्थ वन इज आपको मीडिया में कहां कहां दिखाई देगी, और लास्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रैंक क्या है, रैंक हायरार्की क्या है इसकी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, चलो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिंदी मतलब होता है सूचना ब्यूरो। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसको सीक्रेट एजेंसी बोलते हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस पे काम करती है। अब ये चीज आपको नोट करके रखनी है, व्हाट इज काउंटर इंटेलिजेंस। ये छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होंगे जिसको मैं आपको आराम से समझाऊंगा अलग वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ इस बारे में जानेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मेनली डील करता है इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस से। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। इसको बनाया गया था 1887 में, इसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, और इसको माना जाता है इट इज रिप्यूटेड एज द ओल्डेस्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पूरी दुनिया का इसको। ये छोटा सा ओवरव्यू था, अब इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आईबी बना क्यों, आखिर आईबी की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1885 में मेजर जनरल मैकग्रेगर, बहुत ही फेमस हस्ती थी, अब उसके बारे में पढ़ेगा किताबें उनके ऊपर, को शिमला में ब्रिटिश आर्मी का क्वार्टर मास्टर बनाया गया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उस समय रशिया का इवेजन चल रहा था अफगानिस्तान में, रशिया अफगानिस्तान को इवेट कर रहा था, ये डर था ब्रिटिश इंडिया को कि कहीं वो इंडिया में इवेशन ना हो, इसलिए इस चीज का गठन हुआ। एक छोटी सी टुकड़ी बनाई गई इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, रशिया के मूवमेंट्स को नोटिस करने के लिए, रशिया के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहीं वो भारत में तो नहीं आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, समझ रहे हैं आप, पाकिस्तान वाली साइड में। फिर 1909 में जब भारत में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी मूवमेंट्स होने लगे थे, जब देश की आजादी के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, अपने तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे, तो उस समय भी एक एजेंसी का गठन हुआ था और उसका नाम इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसी का नाम 1921 में बदल के इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रखा गया। इसमें दो सेक्शन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया ऑफिस, और इनका मेनली काम था सर्विलांस करना, काउंटर इंटेलिजेंस करना, दूसरी एजेंसीज पे नजर रखना, और MI5 और स्कॉटलैंड यार्ड के साथ अच्छा मेलजोल बना के रखना, ये इनका मेन काम था। अब MI5 क्या है और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, इसको भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैंने नोट किया और इसको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इसका नाम इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से बदल के इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। यहां तक इसकी हिस्ट्री थी जो कि अवेलेबल है, जो मैं आपको बता रहा हूं, और इससे ज्यादा अवेलेबल ना भी रहे तो ही अच्छा है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सो वी शुड कीप दिस सीक्रेट ऑलवेज। देन अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, आखिर करती क्या है आईबी, वर्क कल्चर क्या है इसका, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेंगे। देखिए, ये नाम में ही खुफिया है तो सीक्रेट एजेंसी है, तो सारे सीक्रेट्स बाहर तो आते नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। इसका मेन काम है इंटेलिजेंस गैदर करना, काउंटर इंटेलिजेंस करना, और काउंटर इंटेलिजेंस फॉर टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म करना। काउंटर टेररिज्म एक और वर्ड आया, इसको भी नोट करिएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा। मेनली इसको हेड करने वाले होते हैं सीनियर IPS ऑफिसर्स या IRS ऑफिसर्स होते हैं, या तो आर्मी से होते हैं या फिर डेपुटेशन से जाते हैं CAPF वाले, ठीक है। और आईबी अपने खुद की भी रिक्रूटमेंट करती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आईबी के पास लगभग कुल 25,000 वर्क फोर्स है, जिसमें से 35,000 ऑड वन आउट करके आप देखेंगे तो एजेंट्स हैं जो कि फील्ड पे काम कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि 3,500 से 4,000 लोग ही आपको सेफ रखे हुए, इतना काम वो कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में सेफ हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिटी डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है सिर्फ इन 35 लोगों के हिसाब से। तो हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं, आप सबको भी उन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि वो दिन रात जग के देश की सेवा कर रहे हैं, और उनके बारे में कोई नहीं जानता है कि वो कौन है, वो जिंदा है कि मर रहे हैं, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि कई कई लोगों के फैमिली को भी पता नहीं होता कि उनके फैमिली मेंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं,
1951 से लेकर 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ना ही सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी देखता था। बट 1968 में कुछ ऐसा हुआ, जब चाइना वॉर हुआ या जो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 का या चाइना वॉर हुआ 1962 का, तो उसमें कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग की कमी की वजह से हम उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए उन वॉर्स में। तो उस समय ये देखा गया कि भाई अब एक ऐसी जरूरत, एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखेगा, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को गैदर करेगा। तो उसी समय आईबी में से ही बाइफरकेट करके एक नई एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था हॉक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखता। और लाजमी सी बात थी कि कितना देखेगा कोई, एक तो उसमें ज़्यादा इंप्लॉइज नहीं है तो कितना कुछ संभाल सकते हैं, ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, फंडिंग होती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है। तो फिर भी दे आर डूइंग वे बेस्ट हमें पूरे वर्ल्ड में इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो यहाँ से रॉ का फॉर्मेशन हुआ था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो था इसके फॉर्मेशन की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात, बना कैसे, हिस्ट्री क्या रही, क्यों ज़रूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि कुछ ऑपरेशंस कैसे रहे इसके। सबसे बड़ा तो ऑपरेशन था इसका काउंटर इंटेलिजेंस का, CIA के साथ, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसके साथ काउंटर इंटेलिजेंस था। बताइए कब? पोखरण, जब न्यूक्लियर बॉम्ब की हम टेस्टिंग कर रहे थे। आपने मूवी देखी भी होगी, वो शायद पोखरण नाम है शायद उस मूवी का, जॉन अब्राहम की जो मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि वो कैसे काउंटर इंटेलिजेंस कर रहे हैं। ऊपर से जब सैटेलाइट जा रहा है तो उनको सारा चीज वैसे ही दिखाना जैसे कि वो पहले से है और काम चलता रहना चाहिए, उसी को काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है। कि अगर कोई आपके ऊपर इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश कर रहा है तो आप उस इंटेलिजेंस को काउंटर करके उस इंटेलिजेंस को बिल्कुल नल करते रहे, दैट इज कॉल्ड काउंटर इंटेलिजेंस। तो वो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका काउंटर इंटेलिजेंस का, जो पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। सेकंड थिंग, आपने ध्यान दिया होगा या न्यूज़ में दिखा होगा, आपके माता पिता अगर जानते होंगे आप उनसे पूछिएगा कि 2006-08 लगभग हर महीने ही बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर 5 महीने 4 महीने पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। आईबी ने उसको कर किया। 2008 में एक और हमारा असफल रहा, जो मुंबई अटैक था नवंबर का, बहुत ही दुखद घटना थी वो। उसमें भी आईबी ने बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी थी, बस उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया गया था और उस चीज़ का खामियाजा हमने कितना भुगता था और बहुत ज़्यादा उसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स, फंडिंग की कमी होती है, उस देखते हुए जितना कर रही है बेस्ट कर रही है। ये कुछ ऑपरेशन थे उनके जो कि आप जान सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और बात मौजूद मिली मुझे वहां पे, बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे उस चीज़ को पढ़ के। 1950 से लेके 1992 तक, जब तक सोवियत यूनियन था, जब तक USSR था, तब तक आईबी को ट्रेनिंग KGB ने दी है। और KGB रशिया की एक इंटेलिजेंस यूनिट है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है KGB, जैसे कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद, MI5, MI6, CIA, FBI, उसी तरह KGB है रशिया की। तो रशिया के KGB ने ही आईबी को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे ये चीज़ को जान के, मैंने भी पहली बार जाना इस चीज़ को। बहुत सारे काम होते हैं जो VIP मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स जो आते जाते हैं उनका, जहाँ VIP मूवमेंट्स होता है उनकी भी जांच राय सब वही करते हैं आईबी वाले कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। ये सारी VIP क्लियरेंस इस चीज़ को बोली जाती है, वो सारा काम VIP ही करती है। बॉर्डर से, आसपास के बॉर्डर से इंटेलिजेंस गैदर करना कि कहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा है या कहीं कोई खतरा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आईबी का काम है। दो चीज़ और वहाँ पे मौजूद थी। एक तो पहला कि आईबी के पास FBI के जैसा ही एक कार्निवोर ईमेल सिस्टम है, ईमेल स्पाइंग सिस्टम, मतलब वो किसी के ईमेल को पढ़ सकते हैं। और सेकंड, आईबी वायर टैपिंग कर सकती है विदाउट एनी वारंट, इट इज़ अवेलेबल ऑन विकिपीडिया, वहाँ जाके इसको कोरोबोरेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इंटरव्यू भी जल्दी होगा, टाइटू भी जल्दी होगा। तो मेन थिंग है, जो मेन चीज़ है, रैंक्स, आईबी की रैंक्स क्या है और पुलिस से वो कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि आईबी की सबसे लोवेस्ट पोस्ट है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। MTS इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, SA इज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। उसके बाद SA के बाद आप बनेंगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 2, उसके बाद आप बनेंगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 1, देन यू विल बी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 2, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 1, देन आप बनेंगे DCIO, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके बाद आप बनेंगे AD, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आप बनेंगे JDD, जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद आप बनेंगे ADD, एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद आप बनेंगे DD, डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद आप बनेंगे JD, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद AX, एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर, और देन आता है DIB, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। ही इज द मोस्ट सीनियर IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, जो भी DIB होता है। तो ये था इसका रैंक हायरार्की कि SS से लेके DIB तक के बीच में क्या क्या रैंक्स हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मैंने विकिपीडिया पे लिखे हुए इंग्लिश में आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिया। बाकी इंटरव्यू का बैच चल रहा है, बैच 3 चल रहा है, जिसको लगता है कि वो टायर 2 क्वालिफाई कर सकता है, जिसका मार्क्स 70+ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट आने के बाद हम एक बैच और ले आएंगे और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।